हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और Q2 FY 24 के रिजल्ट्स बहुत धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो इस समय म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। तो इस वजह से आज मैं आपके सामने कैनरा रोबैको एमर्जिंग इक्विटी फंड का इनडेप्थ एनालिसिस करने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपके कुछ डाउट्स जो भी आए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स के डाउट आए हैं, तो मैं उनके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप के अंदर अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली यहां पर कमेंट कीजिएगा और वेट कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपके डाउट का रिव्यू यहां पर जरूर हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, इससे पहले ही आपका डाउट सॉल्व होते हुए आपके आप तक पहुंच जाएगा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 200 रुपये का इसका एनएवी है। एक साल में रिटर्न देखो 8% का रिटर्न है भाई साहब। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक ये म्यूचुअल फंड है और 8% का CAGR यहां पर आ गया है, तो डेफिनेटली बहुत कम है। पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक जो म्यूचुअल फंड है लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बो से आता है, तो इस वजह से लार्ज कैप कैटेगरी की 25 और 26 अक्टूबर 2 दिन में ना बहुत पेल के धुलाई हो चुकी है। तो इस वजह से क्या हो गया है, चीज़ें यहाँ से गड़बड़ हो गई और रिटर्न कम आ रहा है। क्या ये म्यूचुअल फंड खराब है? जी नहीं, म्यूचुअल फंड खराब नहीं है। 3 साल में देखिए 21.84% का CAGR है, 5 साल में देखिए 16.92% का CAGR है, मैक्सिमम देखिए 19.97% का CAGR है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक कॉम्बो है, पर रिटर्न इसने एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से दिया है। क्या सभी लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का यही हाल है? जी हाँ, चाहे आप मेरा एसेट का एमर्जिंग ब्लू चिप ले लो, चाहे क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप ले लो, चाहे आप फिर कैनरा रोबैको का एमर्जिंग इक्विटी फंड ले लो, सभी लार्ज कैप और सभी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जितने भी कॉम्बो वाले म्यूचुअल फंड्स थे उन सभी की ये हालत है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर केवल यही म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न खराब होता और बाकी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न बहुत अच्छा होता, तब एटलीस्ट हम विचार करते, ठीक है। और हर वक्त आपको रिटर्न के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी आपको म्यूचुअल फंड्स के फंडामेंटल्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा कहता हूँ भाई साहब फ्लक्चुएशन तो आपको देखने को मिलेगी। यही लॉजिक है। देखिए इसका एनएवी कहाँ पे था, 63 से गिर करके 54 पे आ गया, 71 से गिर के 68 तक आ गया, और देखिए ऑलमोस्ट 2 साल ये फ्लैट चला। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर आएँ तो एटलीस्ट आपको वॉलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन देखने को जरूर मिलेगी। पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है आप 3 महीना 4 महीना 10 महीना आप नेगेटिव भी रह सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई साहब उसके बाद आपका रिटर्न पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलेगा। इतिहास बताता हूँ मेरे भाई कि अगर आप पिछले 10-15 साल या 20-25 साल से अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगा रहे थे, कितना भी खराब म्यूचुअल फंड अगर आप पकड़ लेते ना, फिर भी वो आपको फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न बना के दे के जा पाता। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड के अंदर दिमाग में रखें। अगर आपको कुछ नहीं आता और एटलीस्ट आपने अपने हिसाब से ही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लिया था, तो भी आपको वो कुछ ना कुछ रिटर्न बना के देगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र है तब भी आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप रेगुलर प्लान में हो तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। पर रिटर्न कहाँ अच्छा देखने को मिलेगा, सबसे अच्छा कहाँ रिटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ आपके पास डायरेक्ट प्लान है, जहाँ आपके पास ग्रोथ प्लान है, जहाँ आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र और वो भी बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान दें। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 out of 5 रेट किया है। श्री दत्त भंडवालदर साहब एंड अमित नादितकर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए 3 महीने में 0.04% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है, 6 महीने में 11% का है। भाई 6 महीने में 11% सफिशियंट है। 1 साल में 8.03% का है, 3 साल में 80% का है, 5 साल में 118% का एब्सोल्यूट है, यानी कि 5 साल में पैसा डबल हो गया था। 10 साल में देखिए 683% का एब्सोल्यूट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। अब ऐसी बात है, इस समय चूंकि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न मिल रहा है, वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। अब कुछ जमाने बाद या कुछ समय बाद ऐसा वक्त भी आएगा जहां स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कम रिटर्न देंगे और लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न देंगे। इसी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाई करके चलें, ताकि आंधी किसी भी डायरेक्शन में आए हवा आपको जरूर लगे, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, इसका मतलब ये है कि भाई चाहे लार्ज कैप बढ़े, चाहे स्मॉल कैप बढ़े, चाहे मिड कैप बढ़े, चाहे कुछ भी बढ़े, आपको रिटर्न जरूर मिलना चाहिए किसी ना किसी म्यूचुअल फंड से, ठीक है। तो कृपया करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलें। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूँगा, कैनरा रोबैको एमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूँगा, तो 18,063 करोड़ का इसका असेट साइज है, यानी कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ भी आया है। 0.58% का एक्सपेंस रेशियो है, 4.51% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, केमिकल
और मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेक्सटाइल, ये कुछ क्या है सेक्टर है जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कुछ अदर्स में है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, UNO मिंडा, मैक्स हेल्थ केयर, इन्फोसिस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, ट्रेंड लिमिटेड, इंडियन होटल्स, अशोक लेलैंड, TVS मोटर, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS, पॉलीकैब इंडिया, PI इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, सन फार्मास्यूटिकल, फेडरल बैंक, ओबरॉय रियल्टी, अबॉट इंडिया, AIA इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज, एम्फेसिस लिमिटेड, टाइटन कंपनी, ABB इंडिया, APL अपोलो ट्यूब्स, सोना BLW, प्रेसीजन फॉर्जिंग्स, नवीन फ्लोरिन, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, मारुति सुजुकी, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, सेंचुरी टेक्सटाइल, शॉफलर इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक्स, अतो लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन, दरामको सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सुंदरम फास्टनर्स, हनीवेल ऑटोमेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ शेयर हैं जहाँ पर आपका पैसा आया है। अब बात करेंगे कैनरा रुबैको के असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड। तो देखिए 76,439 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 81 स्कीम के साथ आते हैं। अब वक्त हो चला है आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर देने का, चलिए चलते हैं। देखिए जो पहला कमेंट आया जितेंद्र कर 6082 का है, डियर सर, मैनी म्यूचुअल फंड AMCs एंड देयर फंड मैनेजर्स आर रिस्किंग आवर मनी बाई पुटिंग फंड मनी इंटू फेल्ड नो प्रॉफिट ओनली लॉस मेकिंग कंपनीज एंड IPOs लाइक वोडाफोन आइडिया, फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस पावर यानी कि आर पावर के नाम से आप इसे सर्च कर पाएंगे, या यस बैंक, मामा अर्थ IPO एंड मैनी मोर फेल्ड कंपनीज, वॉट वुड बी योर थाट्स ऑन इट प्लीज़। देखिए कर साहब, आपको केवल एक चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पर कि आपको ना एक फेल्ड साइड है और एक पॉजिटिव साइड है, यानी कि एक नेगेटिव साइड देख लो, एक पॉजिटिव साइड देख लो। आप हमेशा पॉजिटिव साइड देखा करो। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो ना और एक अच्छा असेट मैनेजमेंट कंपनी आपने पकड़ रखा है, एक आपने बेहतरीन फंड मैनेजर्स को पकड़ रखा है, तब एटलीस्ट आपको चिंता होनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पर अगर आपको एक आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र है तब डेफिनेटली आपके साथ ये भी गलतियां नहीं होंगी। अगर आप मामा अर्थ IPO की बात करेंगे तो मैंने डेफिनेटली इस IPO के अंदर अप्लाई नहीं किया। अब चाहे ये सेम डे 500% का रिटर्न दे दे, चाहे ये 10 लाख रुपये का शेयर हो जाए, एटलीस्ट मैं इस कंपनी के अंदर फिलहाल तो पैसे बिल्कुल ना डालता। रीज़न बिंग सिंपल सी बात है, इनका जो IPO है बहुत महंगा था। जब मैंने इनका डीम टू बी रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा, वहाँ पर काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट थे। इसके साथ साथ सिंपल सी बात है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वगैरह इस कंपनी के अंदर खाली कर रहे हैं अपना स्टेक, और फ्लिपकार्ट के मालिक वगैरह का भी इस कंपनी के अंदर कुछ स्टेक था, वो भी वहाँ से पता चला। तो इस वजह से सिंपल सी बात है, इस तरीके के IPOs को अवॉइड करूँ। मैंने देखिए Zomato के IPO को भी अवॉइड किया था, उसके बाद देखिए Zomato मैंने 48 रुपये से खरीद के 100 रुपये में बेचा। तो देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो, अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी शेयर को ले रखा है, तब म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर को पता है मेरे भाई कि मुझे कहाँ पैसे को काटना है। ठीक, अल्टीमेटली फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर फंसता है। तो इसी वजह से कोशिश करी जाती है कि अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में नया है तो वो कृपया करके जो एंट्री ले म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ले, और किन म्यूचुअल फंड्स के अंदर एंट्री ले तो एटलीस्ट उसको ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए जो एटलीस्ट पूरा मार्केट उस पर आंख बंद करके भरोसा करता हो। जस्ट लाइक SBI के एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, ICICI प्रूडेंशियल की एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, निपॉन इंडिया की AMC हो गई। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसे डालते हो, या कुछ अदर ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जहां पर इन्वेस्टर्स का भरोसा है और जिन्होंने पास्ट साल दर साल अपने भरोसे को इंटैक्ट करके रखा हुआ है, तब ऐसी अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आप पैसे डालते हो तब इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। मेरा सा सिंपल सी बात है मेरे भाई, मामा अर्थ का क्या काम है कि मार्केट में आके पैसे को रेस करना, वो अपना काम कर रहे हैं। एज अ इन्वेस्टर हमारा क्या काम है कि अगर खराब कंपनी है तो उससे मुझे दूर रहना है। तो डेफिनेटली बस अच्छी, देखिए मार्केट में आपको हर तरीके का इंसान मिलेगा, शेयर मार्केट में हर तरीके की कंपनी आपको मिलेगी, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी भी मिलेगी और इन्फोसिस जैसी कंपनी भी मिलेगी आपके सामने, यस बैंक जैसी जहां फील्ड बैंक मिलेगी, वहीं HDFC बैंक जैसी एक दिग्गज मोटा हाथी भी मिलेगा आपको। ठीक, जहां फ्यूचर ग्रुप कंपनी जैसी, ठीक है, यानी कि फ्यूचर ग्रुप पहले वही बिग बाजार था ना, अभी केसेस का NCLT के अंदर है, जहां आपको फ्यूचर ग्रुप जैसी NCLT के अंदर कंपनी मिलेगी, वहीं आपको मारुति सुजुकी जैसी दिग्गज कंपनी भी मार्केट में देखने को मिलेगी। तब आपको ये आपको पर्सपेक्टिव बनाना है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। आप ये कंपनी नहीं पसंद है मत लो बिल्कुल, क्योंकि शेयर मार्केट में 4,500 से भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं। अगर आपका वहाँ पैसा नहीं बन रहा है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करूँ। मैं आपको बताता हूँ वोडाफोन आइडिया के, अगर मैं बिजनेस न्यूज़ चैनल देख रहा था, वहाँ पर एक बंदे के पास रहे होंगे 1.5 लाख शेयर। उसने पूछा क्या करना है, सिंपल उसने बोल दिया कि भाई बेच दो, बेकार कंपनी है। ठीक भाई साहब, 10 रुपये था, अभी देखो 12-12.5 रुपये वोडाफोन आइडिया चल रहा है। तब उस केस में क्या करोगे?
तो भाई इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है, इन्वेस्टर्स का नज़रिया है। देखिए कुछ लोग शॉर्ट करके भी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग करके भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ लोग बेच के पैसा कमाते हैं, कुछ लोग खरीद के मार्केट में पैसा कमाते हैं। अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ अपनी SIP पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आपके पास बहुत अच्छा किसी शेयर पर भरोसा आ गया है, तो 3-4 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करें। बाकी देखिए मामाअर्थ भी खराब थी, पॉलिसी बाजार पर भी मैंने नहीं लगाया था। इवन देखिए नाइका जैसी कंपनी सेम डे 1000 रुपये का शेयर था, 2100 के आसपास की उसकी लिस्टिंग चली गई, ठीक 2100 रुपये के आसपास, यानी कि सेम डे 100% से ऊपर का रिटर्न। मैंने IPO नहीं डाला था, सिंपल है, वो 1000% भी हो जाता मुझे फिर भी नहीं डालना था मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आता है कंपनी के फंडामेंटल्स। और अभी तक मैंने जिस हिसाब से मेरी जर्नी रही है फंडामेंटल्स देख करके, क्योंकि शेयर मार्केट में हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई आपका शेयर मैनिपुलेट करके ऊपर चला जाए, पर लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी को ऊपर ले जाने वाला सिर्फ एक चीज़ है, वो है कंपनी के फंडामेंटल्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भारत के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन पर आप भरोसा कीजिए, क्योंकि CA जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट को वेरीफाई करता है तभी वो ऑडिटेड बैलेंस शीट मानी जाती है। तो उस पर भरोसा रखें, भारत की ग्रोथ हिस्टोरी पर भरोसा रखें और आपको हर चीज़ सामने नज़र आएगी। तो मैं पैनिक बिल्कुल ना करें, बस सिंपल सी बात है, आप अपनी जर्नी को धीरे धीरे छोटे छोटे कदम मार्केट में आगे बढ़ाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करेंगे तो आपको अपना हाथी देखने को मिल जाएगा शेयर मार्केट के अंदर। जो नेक्स्ट कमेंट ये आया है, देखिए क्या है, रिटर्न कैलकुलेटर इज शोविंग मोर रिटर्न्स परसेंटेज इन लमसम अमाउंट एज कम्पेयर टू SIP। यस, बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है। ये आपको एक चीज़ समझिए यहाँ से कि किसी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर 10 साल के लिए टाइम देना है, ठीक है। आप 1000 रुपये की SIP कर रहे थे और आपने 1,00,000 रुपये 10 साल के अंदर डाल दिया, यानी कि 1000 रुपये आपने इस महीने डाला, यानी कि 1 नवंबर को डाला, तो आपका वो 10 साल के लिए पैसा लगा रहा, ठीक। फिर 1000 रुपये आप अगले महीने लगाएंगे तो वो आपका 10 साल नहीं लगा रहा ना, वो आपका लगा रहा 9 साल 11 महीने तक। फिर आप 1000 रुपये तीसरे महीने में लगाएंगे जाके, तो इस तरीके से जब आप 1,00,000 रुपये एक साथ डाल देते हो तो वो आपका पूरा 1,00,000 रुपये 10 साल तक रहा। अब सोच के देख लो ना, 1,000 पे 10% का रिटर्न 10 साल का कैलकुलेट करो, और एक साल में 1,00,000 रुपये पर 10% रिटर्न 10 साल में कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1,00,000 रुपये जो लमसम के तौर पर लगा हुआ है, जो एक साथ लगा हुआ है, वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब देखिए लमसम किसके लिए ज़रूरी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लमसम करें, जिनके पास बहुत कम पैसा है वो SIP के थ्रू जाएं। पर देखिए जिनके पास बहुत कम पैसा है और अगर वो लोग लमसम कर रहे हैं तो एटलीस्ट है मार्केट में गच्चा खा जाएंगे। गच्चा किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने मार्केट में लॉस नहीं देखा। आपको शेयर मार्केट के अंदर लॉस भी देखना पड़ेगा, और जब मैं बात शेयर मार्केट की कर रहा हूँ तब इसका मतलब ये भी है कि बात मैं इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड की भी कर रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक माध्यम है, अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मार्केट को देखेंगे और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सत्य है, लमसम में ज़्यादा पैसा है, क्योंकि यार ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा रिटर्न, कम पैसा मतलब कम रिटर्न, ठीक है। त्रिपाठी का मैसेज है, अभिषेक त्रिपाठी 9213, बेस्ट स्टॉक्स 5 ईयर के लिए बताओ। देखिए आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर 4-5 प्लेलिस्ट और हैं, ठीक है। तो हर तरीके का प्लेलिस्ट है और हर तरीके के शेयर्स भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करो, अदरवाइज आपका कमेंट यहाँ पर आ चुका है। और मैं शेयर्स के भी वीडियो टाइम टू टाइम, क्योंकि दो तो मुझे म्यूचुअल फंड्स के वीडियो डालने होते हैं पर डे, हैं राधे अपॉन द सिचुएशन, मैं कितना भी बिजी रहूं पर मुझे पर डे दो वीडियोज़ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डालने ही होते हैं। उसके बीच में मैं कोशिश ये भी करता हूं कि शेयर से रिलेटेड भी वीडियो बना के लाऊं। तो देखो धीरे धीरे आपको एक सप्ताह में 2-3 वीडियो शेयर्स के भी मिल जाते हैं। तो जुड़े रहिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ मेरे भाई। अगर आपका भी कोई इस चैनल पर डाउट है तो यहाँ पर डाउट कमेंट करो, और आपका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व होते हुए लाइव आपका नाम भी आएगा और आपका डाउट भी सॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जारी रखें, चाहे वो SIP के माध्यम से हो, चाहे वो लमसम के माध्यम से हो। बहुत बहुत धन्यवाद।